1887 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1954 तक रहा। 1955 से 1961 के दौरान इन्होंने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत एक अच्छे नाटककार भी थे। इनके नाटक वरमाला को काफी लोकप्रियता मिली। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1897 में आज एक दिन पहली बार किसी को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लंदन के 25 वर्षीय जॉर्ज स्मिथ को नशे में गाड़ी चलाने और एक इमारत में टक्कर मारने के आरोप में हिरासत में लिया गया। स्मिथ पर मुकदमा चला और उसे दोषी पाया गया। सजा के तौर पर स्मिथ को 25 शिलिंग का जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद 1910 में न्यूयॉर्क में शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ा पहला कानून लागू किया गया। 1936 में डॉक्टर रॉला हार्गर ने ड्रंकोमीटर नाम की एक गुब्बारे जैसी मशीन ईजाद की, जिससे सांस की जांच कर बताया जा सकता था कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं। 1953 में पहला आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर बना, जो इस्तेमाल में बेहद आसान था। इस यंत्र की मदद से सांस में अल्कोहल की वाष्प को मापा जा सकता है, साथ ही इस उपकरण से खून में अल्कोहल की मात्रा का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। 1965 में आज ही के दिन भारतीय सेना के सिपाही वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए इन्हें महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की सेना ने अमृतसर को घेर लिया था। अमृतसर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए पाक सेना पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अब्दुल हमीद ने अपनी तोप युक्त जीप को टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए शत्रु के 3 टैंक ध्वस्त कर डाले। 1954 में एक सैनिक के रूप में हमीद ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हुए थे। 1973 में आज ही के दिन लंदन में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। सेंट्रल लंदन में हुए 2 धमाकों के बाद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस एक नौजवान की तलाश में जुट गई, जिस पर हमलों का शक था। इन हमलों में 13 लोग घायल हुए थे। पहला धमाका किंग्स क्रॉस पर हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए। वहीं दूसरा धमाका ह्यूस्टन स्टेशन के पास हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। किसी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पुलिस का शक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी संगठन पर था। दूसरे धमाके से ठीक पहले प्रेस एसोसिएशन को एक फोन आया, जिसमें आयरिश लहजे में बात करते हुए एक व्यक्ति ने चेताया था कि पुलिस के पास दूसरे स्टेशनों को खाली कराने का बहुत कम समय बाकी है। और आज ही के दिन 2002 में स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था। इस देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए तैयार होने में काफी लंबा समय लगा। 1986 में देश की 1/3 आबादी ने इस योजना के खिलाफ मतदान किया था। 2002 में सफल जनमत संग्रह के बाद स्विट्जरलैंड की सरकार ने संगठन में सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने न्यूयॉर्क में स्विट्जरलैंड को इस संगठन का 190वां सदस्य घोषित किया।